Hi guys, मैं हूँ अर्जुन कपूर. मैं हूँ राधिका मदान. मैं हूँ आसमान भारद्वाज. And if you like this video, then subscribe to Siddharth Kannan's YouTube channel. But I wonder why. कुत्ते कमीने मत रखन पीछा. मेरे लाइफ का फेवरेट डायलॉग था क्या कुत्ते, जो बहुत से लोग मुझे बचपन से बोलते आए. इनफैक्ट जब मुझे कुत्ते नहीं बोलते मुझे विड्रॉल सिम्टम मिलता है. क्या ये मेरी लाइफ पर आधारित है? आसमान, राधिका और अर्जुन बताइए. डायलॉग सुनने के बाद ऐसा लगता है कि डायलॉग क्यों बोला किसी ने, तुमने जिस तरह बोला. नहीं बट ये डायलॉग तुमने बहुत सुना तो होगा बचपन से. नहीं एब्सोल्युटली कुत्ते नहीं, ये नाम अर्जुन कमीने जो इनके पापा ने बनाए. नहीं बट ऑनेस्टली यार, जेन्युइनली बिकॉज़ मैं लखनऊ से आया ना, ऑलवेज मेरी लाइफ में हम लोग ऐसी बात करते थे. जब मैं मुंबई आया तो मुझे लोगों ने बोला यार हर लाइन में तू यही बोलता रहता है, यू गेट इट, तो थोड़ा वो तू रखा कर. तो आई लॉस्ट दैट कुत्ते एस्पेक्ट ऑफ माय लाइफ. नो नो, यू नॉट लॉस्ट, लॉस्ट ऑफ सेइंग इट, हियरिंग इट. तो समझे कि ट्रस्ट मी, यू नॉट लॉस्ट यार. बट आसमान, यू नो विशाल जी की फिल्म में दो तीन एक्टर्स हमेशा होते हैं, नसीरुद्दीन शाह सर, तब्बू मैम, ये सब. तो बचपन से इनके साथ नाता रहा है या फिर कुत्ते के दौरान बन गया? नहीं बचपन से तो मतलब मैं वैसे अभी भी तुम बच्चे ही हो. हाँ मतलब वो हमारा नन्हा फेस्ट है. मैं तब तो मैं मतलब बहुत, जैसे नसीर भाई से तो बहुत डर के रहता था, अभी भी एक्चुअली डर के ही रहता हूँ. बट एक्चुअली कुत्ते में आके ही उन सबसे थोड़ा एक एक्चुअल रिलेशनशिप बन पाई एज not just director and actor but also as friends. तो और तब्बू, हाँ उनसे भी उसके बाद ही. हाँ मैंने अभी तुम खुल्ला खुल्ला कैसे they are my buddies to your dad. हाँ इतना कोई नहीं कह सकता है. like नसीब साहब को शाबाश. नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे लगता नसीब साहब को कोई भी ऐसे शाबाश. या तब्बू ठीक बोलो, you rocked it. नहीं वो तो सब बोलते ही है ना. बट यू नो एक डायलॉग है, शराफत का जमाना ही नहीं रहा दुनिया में, राइट? आगे क्या बोला था वो मुझे याद नहीं है ना. ठीक है, सबसे बड़ी नॉन शराफत चीज जो तुम हमेशा करते हो? इंटरव्यू के वक्त सच नहीं बोलना. सीरियसली यार देखो हम कल ही बात कर रहे थे, द थिंग इज इट्स नॉट ऑलवेज इजी टू पुट योरसेल्फ आउट देयर इन द मोस्ट प्योरेस्ट वे. सो व्हेन यू आर मीटिंग पीपल, आई एम नॉट सेइंग इंटरव्यूज, आई एम सेइंग इन जनरल, समटाइम्स यू कांट ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ. आपको शराफत दिखानी पड़ती, लेकिन इन अ वे दैट्स क्वाइट अ पैराडॉक्स, राइट? यू आर बीइंग वेल बिहेव्ड बिकॉज़ यू आर कंडीशन्ड दैट यू आर सपोज्ड टू बी पोलाइट एंड डीसेंट एंड काइंड, बट दिमाग में तो आपका कुछ और ही चल रहा है ना. तो वो जो थोड़ा सा ढोंग करना पड़ता है सिविलाइज सोसाइटी में फिट होने के लिए, वो एक्चुअली वो शराफत नहीं. यू शुड बी एबल टू बी ऑनेस्ट एंड टेल पीपल व्हाट यू फील, बट हियर इन दिस प्रोफेशन स्पेशली यू हैव टू बी अ लिटिल डिप्लोमेटिक. नहीं बट कभी कभार घुटन होती है क्या? हाँ बिल्कुल होती है. Not only because of the profession, I feel in general sometimes you would like to be your pure self, but that's not that easy. I don't know what sharafat hai or nahi, but it's quite interesting to live a life where you have to be a little aware and everybody has to be aware. You cannot hurt people's feelings at the cost of being. जैसे तुम्हारा माइंड बहुत शार्प है, अर्जुन का फट 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 चलता रहता है. हाँ तो मैं हर चीज बोलना चालू कर दूँ मैं तो नौकरी से कर इंडस्ट्री से आउट. हाँ हाँ भाई मतलब it'll be difficult. So I think that's quite a, it's an interesting thing to pretend to be a little sharafat because that's the way you're supposed to be. But there is a naughtiness or a little sharpness that you have that you can't always put out there for the world. But मेरे साथ ये बिंदास करता है यार. मैंने मेरे पैंट, मेरी चड्डी सब उतर जाती है, मैं टंगा देता हूँ जब आता इंटरव्यू से पहले. मैंने कहा भाई देखो आज तो वेल ड्यू सिर्फ कुत्ते बोला तुम्हें, नहीं कि फिल्म की मार्केटिंग कर रहे हैं. नहीं भाई, I love you from the bottom of my heart. तुम इस फिल्म में बहुत मुंहफट हो, क्या तुम रियल लाइफ में भी मुंहफट हो? Not really. मतलब मैं थोड़ा तो ऐसे सोचती हूँ कि नहीं उसने ना ये चीज़ इसके साथ ये हो रहा है इसीलिए उसने ये बोला होगा, तो मैं चुप हो जाती हूँ. अगर मेरे को कुछ गलत भी फील हो रहा है या मुझे गुस्सा भी आ रहा है तो थोड़ा शांत रहती हूँ, दूसरे के पर्सपेक्टिव से सोचती हूँ. फिर अगर लगता है कि नहीं फिर भी मेरे को बोलना चाहिए तब मैं बोलती हूँ, वरना मैं मोस्टली पी जाती हूँ जब तक मेरा वो पहाड़ नहीं बनता. You're sounding like a spiritual guru right now. Oh, but thank you. Huh? But she is quite See, spiritual, that way. From at least whatever little as not spiritual, but what's the right word? She's evolved into being a calmer person. I'm assuming in the last. Yeah, yeah.
क्योंकि इतना सोचना भाई कि उसने क्यों बोला होगा फिर मैं रिएक्ट करूंगी माने यू रियली यार ये तो अब तुम तो बिल्कुल ऐसा नहीं सोचते मैं तो बिल्कुल नहीं भाई अभी तो मैं कोशिश कर रहा हूं हम तुम्हें देख के सोचते इस तरह से क्यों बोल रहा है अभी तो माने जो भी कभी कभार एक्ट्रेसेस आती गलती से बेटा बेटी आ जाते हैं वैसे हो गया भाई तुम्हारी उम्र भी हो गई ना कितने बरस दो ये वही पर फुल स्टॉप मार रहा हूँ भाई एब्सोल्युटली वैसे नसीर साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था हाल ही में कि आप विशाल भारद्वाज से आगे निकल चुके हो व्हाट डू यू हैव टू से टू दैट एंड अंडरप्ले मत करना नहीं आई मैं अग्री नहीं करता हूँ मैंने उनकी फिल्में देखी हैं एज अ ऑडियंस एंड एज अ लाइक आई हिज फिल्म आर बेटर आई आगे नहीं निकल चुका हूँ मतलब नसीर सर ने किस मे बी सेड इन टर्म्स ऑफ एज या या दैट एट विशाल सर एट दैट एज बिकॉज़ आई डोंट या आई डोंट अग्री एट ऑल कभी हुआ कि विशाल सर की खुद की फिल्म में उन्होंने बोला बेटा तुम आके मत देखना फिल्म तुम बैठो मत स्क्रीनिंग में ऐसा हुआ नहीं बिल्कुल नहीं मैंने तो मकबूल देखी थी जब मैं 8-9 साल का था तो नहीं पर उनकी कोई फिल्म पसंद नहीं आई तुम्हें कभी नहीं सारी पसंद आई तुम्हारे तुम पापा कभी बोलते थे सर शाबाश नहीं मैं बोलता था पापा शाबाश पापा शाबाश बट तुम आई हैव नोटिस देयर अ लिटिल बिट ऑफ शाइनेस इन हिम क्या ये वाकई में ऐसा है मतलब ऑफ कोर्स ही आई मीन ही इज नॉट ए ही इज नॉट यूज्ड टू डूइंग इंटरव्यूज द वे यू आर इमेजिनिंग सो यू हैव टू गिव हिम सम क्रेडिट ही इज जस्ट कमिंग अराउंड एंड स्टार्टिंग टू एंजॉय द अटेंशन आल्सो ऑन सेट आल्सो वो अपने काम से मतलब लगता है ही इज नॉट समबडी हु लाइक्स टू लिंगर अराउंड He's not, I think it's the upbringing of the parents that he's not star conscious or he's not looking for attention. He's quite into his work. हाँ, मतलब थोड़ा तो introvert and shy है, but एक बार जान जाओगे तो फिर खुल जाएगा। हाँ, actually वही है। ना जान जाओगे तो फिर चपड़ चपड़ है। हाँ, but क्या क्या चपड़ चपड़ है? चपड़ चपड़ मिस्टर चपड़ चपड़ shy तो नहीं है, पर वो अपने में अपने से काम रखते हैं। He doesn't, he'll not say more than need. घंटे में ट्रेनिंग कर दूंगा भाई तुम अपना टी शर्ट भी उतार के सौरभ गांगुली की तरह ये करोगे भाई डोंट वरी आई गिव यू माय वर्ड आई वुड एनीबॉडी वांट टू डू दैट आप कुछ भी कर लो आदमी जब चल के आता है तो आप बोलते हैं ये यार ये ऐसी हुडी उसने पहनी थी अरे इसकी शक्ल उससे मिलती है अरे दैट गाय लुक्स लाइक दिस वन अरे दैट गाय वाज ड्रेस्ड लाइक दैट वी आर वेरी हैबिचुएटेड टू स्पीक लाइक दैट इन नॉर्मल कॉन्वर्सेशन तो कंपैरिजन तो हर इस फिल्म का नाम आवारा डॉग्स भी होता फिर भी वो कमीने से कंपेयर हो जाती बिकॉज टोन और मूड और एक दुनिया भी है विच इज सिमिलर बिकॉज केपर्स आर वेरी फ्यू सो व्हाट डू यू कंपेयर देयर इज ओनली वन अदर केपर दैट बीन मेड इन दिस कंट्री द लास्ट इट इज इन अ प्योर सेंस इस जॉनर में एक ही और फिल्म बनी है जहाँ पूरी नाइट बारिश क्राइम गैंगस्टर्स पुलिस ट्विस्ट टर्न्स कैरेक्टर्स इंटर क्रॉसिंग ईच अदर आई मीन द गाय रिची स्पेस दैट इज इन हॉलीवुड आई थिंक ओनली कमीने इज ओनली द ओनली फिल्म दैट विशाल जी इज मेड एट दिस लेवल तो कंपेरिजन वॉज इनएविटेबल और वो अच्छा ही है इन द सेंस वी ऑलवेज अभी मजाक में सब लोग यही पूछते हैं विशाल जी जब इंटरव्यू कर रहे थे कि सर आपने कमीने बनाई इसने कुत्ते बनाए तो कुछ हो सकता है क्रॉस ओवर एंड इट कैन एक्चुअली एग्जिस्ट इन दिस फिल्म एंड दैट फिल्म आर फ्रॉम द सेम यूनिवर्स इन दैट सेंस सो दे कैन एक्चुअली दीज कैरेक्टर्स कुड हैव इंटरक्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट इन द फिल्म इन ए फिल्म एंड यू वुडंट नो सो द कंपैरिजन इज अ गुड थिंग यानी कि हमने जो फिल्म बनाई है वो उस केपर दुनिया में बहुत अच्छी तरह फिट आ रही है पर तुमने शायद से बात की इसके बारे में जनरली नहीं आई मीन लिसन टू बी ऑनेस्ट A. Aasman is directing, so it's not Vishal sir directing, so there's no direct conversation about how to approach working with a director. Otherwise, sometimes you can pick up the phone and say, you work with the director, what is a way around sometimes, if at all. And also, isme double role hai nahin. Usme shayad ki performance thi, ek mein haklata aur ek mein wo... Ferg ho. Hoga. To wo Ferg ho Ferg bolta hai. So very tonally different. I'm playing a cop in terms of performance and in terms of the director also.
But I'm sure if I had to pick up the phone and Shahid, I'm sure he would just tell me to go out there and have fun in these films, because genuinely you have to go with the gut and conviction of the director. It's a very director-driven film. It's not just pure acting, because he knows how to join the dots of all the characters. You have to just play your part in the film. और in fact धर्म पाजी को पहले ही बना दिया था ये universe. कुत्ते कमीने में तेरा खून भी जाओ. उन्होंने थर्ड पार्ट यही टाइटल हो जाएगा, मैं तेरा खून भी क्यों ऐसा सोच रहे हो कि नहीं जैसे विशाल जी को तो सात खून माफ है तो वो सात बार बना मैंने पूरी सीरीज बना दी सच स्पॉट में. यू नो तुम्हारे बारे में एक ब्यूटीफुल चीज है, यू रियली गो थ्रू फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन. इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज. जैसे पटाखा में तुमने वेट गेन किया टू लुक लाइक अ मिडिल एज्ड वुमन. उसके बाद तुम्हारी नेक्स्ट फिल्म के लिए यू एक्चुअली लॉस्ट वेट, राइट? फिर कभी कभार सोशल मीडिया में आते हैं या कभी वेट पुट ऑन करती है, कभी वेट पुट ऑफ करती है, हैज शी गॉट अंडर द नाइफ एंड स्टफ लाइक दैट. बट देखा जाए इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज कि हर रोल के लिए यू लिव इट. कैसे रिएक्ट करती हो इसके लिए? आई थिंक फिजिकैलिटी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू गेट इन टू अ कैरेक्टर. ऑफकोर्स इमोशनल एस्पेक्ट भी आता है, बट मुझे पता है कि एक फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या कर सकती है. लाइक आई कुड हैव इजीली फॉट विद विशाल जी कि मेरा डेब्यू है, आप कैसे मुझे एक 35 साल की औरत दिखा रहे हैं और ऐसे एक करके दिखाओ. इमेजिन ही इज विशाल जी. मैं बोल रही हूं कि मैं कभी बोल ही नहीं सकती. जब कुल्हाड़ी मारी है तब दिखाओ. सुन तो लो यार, बात तो कंप्लीट करने दो सर. तो मैं ऐसे लड़ सकती थी, बट उसका फिर मतलब नहीं रह जाता. फिर आप अपने खुद की ख्याली पुलाव में एक कमर्शियल क्लीशे जो एक हीरोइन होती है उस एस्पेक्ट में जा रहे हो, मूवी नहीं है ना. एंड क्योंकि मैंने वो चस्का पहली फिल्म में ले लिया, जब मैंने अपने आपको देखा मैंने बोला हाँ इट लुक्स लाइक अनदर पर्सन. मुझे प्रॉब्लम भी हुई बाद में क्योंकि पटाखा की तारीफ हुई, बट नोबडी कुड लाइक दे ऑलवेज टोल्ड मी दैट आई एम नॉट दैट कैरेक्टर. अच्छा तूने किया पटाखा. दे वर ऑलवेज फाइंडिंग दैट गर्ल दैट ओ ग्रेट परफॉर्मेंस, बट व्हेन आई यूज्ड टू मीट देम उनको लगता था कि ओ नए आए हो क्या. मैंने बोला नहीं, मैंने पटाखा किया. तो पहचान ही नहीं पाते थे. बट आपको जो फील होता है, आपको जो देख के फील होता है, इतनी क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन आई डोंट थिंक कभी आपको मिलती है. एंड ऑफ कोर्स आई लॉस्ट वेट फॉर अंग्रेजी बिकॉज़ आई हैड टू लुक लाइक अ 17 ईयर ओल्ड. आपको इमोशंस ही फील नहीं होते जब वो फिजिकल एस्पेक्ट नहीं होता. बट जब मैंने कहा था ना सोशल मीडिया में मैं मारा था, शी इज गॉन अंडर द नाइफ बिकॉज़ शी इज ऑलवेज लुकिंग डिफरेंट इन हर रोल्स. बट यू नो द काइंड ऑफ एफर्ट दैट गोस बिकॉज़ टू डू दिस. अरे वर्सेटाइल एक्टर है यार. क्या बात है. कुछ भी दिख सकते हैं, कभी भी दिख सकते हैं. डार्लिंग कम टू माय ऑफिस, आई विल गिव यू अ ब्रेक, डोंट वरी. अच्छा एक को घर बुला रहे हो, एक को ऑफिस बुला रहे हो, तो बहुत टाइम है तुम्हारे पास. अच्छे लोगों के लिए है